ये दुनिया का सबसे खतरनाक स्कूल है जहाँ पर किसी भी रंगीन चीज को लाना नियमों के खिलाफ था। लेकिन एक दिन ये लड़की स्कूल में लिपस्टिक लगाकर आ जाती है। जब स्कूल की प्रिंसिपल ने उस लड़की के लाल होठों को देखा तो उसने तुरंत ही उसकी लिपस्टिक मिटा दी, जिसके बाद वो उसे तेज धूप में खड़े होने की सजा देती है और उसे स्कूल के सारे नियम याद करने के लिए कहती है। लेकिन वो लड़की प्रिंसिपल के सामने स्कूल के नियमों की किताब जला देती है। ये देखकर प्रिंसिपल उसे घसीटते हुए एक कमरे में ले जाती है और उसके कानों के पास दो स्पीकर लगा देती है। स्पीकर के अंदर स्कूल के सारे नियम तेज आवाज में बोले जा रहे थे, लेकिन वो लड़की उस पर जरा सा भी ध्यान नहीं देती और अगले दिन अपने बालों में हरे रिबन लगाकर आ जाती है। प्रिंसिपल फिर से उस लड़की को अपने साथ ले जाती है और उसकी आंखों में बार बार तेज रोशनी मारने की सजा देती है, लेकिन वो लड़की फिर भी नहीं मानती और अगली सुबह अपने बालों को रंग कर स्कूल में वापस आ जाती है। ये देखकर स्कूल के सभी बच्चे हंसने लगते हैं क्योंकि धीरे धीरे उन लोगों का डर खत्म हो रहा था। अब प्रिंसिपल एक बार फिर से उस लड़की को अपने साथ ले जाने लगती है, लेकिन तभी सारे स्टूडेंट्स स्कूल के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर देते हैं क्योंकि उस लड़की की वजह से उन लोगों का डर पूरी तरह से खत्म हो गया था, जिसके बाद वो प्रिंसिपल को बंदी बना लेते हैं और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं।